फ्रेंड्स, हमारी बगिया में पोरचुलका खिले हुए हैं। दोनों का कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी ये सब फूल अब धीरे धीरे अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं फ्रेंड्स, और अभी इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, दो कलर में, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज का टॉपिक आप सबको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बरसात आने से पहले हमें ये कुछ ज़रूरी काम अपने गार्डन में ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि बरसात में हम बहुत सारे पौधे लगा सकें और हमारे गार्डन में हरे भरे पौधे सब रहेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, हमें देख के बहुत ही सुकून मिलेगी। तो अभी देखिए, हमारे पास कुछ गुलदावरी के पौधे थे जो सूख गए हैं, तो आज हम उसे ही निकाल के उसके मिट्टी को धूप लगाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी बगिया में। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप सबको ज़रूर ही पसंद आए, और पूरे वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी टॉपिक तो वीडियो को लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, अपना सुझाव कमेंट में अवश्य ही देना फ्रेंड्स। तो पहले आप सब वीडियो पूरा देख लीजिए। तो देखिए, मैं बोतल को काट के जो इसमें पौधे सब लगाई हूँ, तो अब धीरे धीरे ना इस सब पौधे में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, एक दो बार जैसे ही बारिश होगी तो फिर ये सब अच्छे ग्रोथ पे आ जाएगी। तो इधर सारे देखिए गुलदावरी थे जो सूख गए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे पौधे सूख गए थे जिसकी मिट्टी को मैं धूप लगा के रखी थी। देखिए, एक गुलदावरी है जो अभी ठीक है, बाकी सारे ख़राब हो गए। और एक बाद में मैं कटिंग लगाई थी छोटे से पॉट में है, तो वो दो पौधे अभी तक बचे हुए हैं। तो इस सब को मैं निकाल के और इसकी मिट्टी को धूप लगाऊंगी। फ्रेंड्स, मिट्टी को धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर हम एक बार ये पौधा इसमें लगाई थी फ्रेंड्स, अब हम अगर इसमें दूसरा पौधा लगाएंगे तो बीच में एक बार मिट्टी को धूप लगा के कुछ दिनों के लिए रेस्ट में छोड़ना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी इसमें पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो अभी जितने भी पौधे सब सूखे हुए थे मैं सारे को निकाल के यहाँ पर रखी हूँ, और इसको पलट के इसके मिट्टी को देखूंगी। अगर चीटी होगा तब तो मैं इसमें ज़्यादा धूप लगाऊंगी, अगर चीटी नहीं होगा तो एक दो घंटे की धूप लगा के और फिर हम इसको किसी बोरी में भर के रख लेंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कंपोस्ट नहीं हुए हैं, जो नीचे डाल देती हूँ, जो ब्रांच सब गार्डन से कट करती हूँ वो सब जो रहता है, तो वो कंपोस्ट अच्छे से नहीं हुए हैं, तो उसको जो अभी मैं कंपोस्ट बना रही हूँ उसमें डाल देती हूँ। इसमें सारे अभी डाल दूंगी और इसमें ऊपर से छिलके वगैरह डालूंगी ना, तो ये जल्दी से कंपोस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें से सारे जो लकड़ी सब है उसे मैं हटा लेती हूँ। ये पौधा देखिए हमारा बिल्कुल सूख गया। तो बहुत सारे पौधे फ्रेंड्स इस बार समर में हमारे ख़राब हो गए हैं। तो अभी मैं इस मिट्टी सबको धूप लगा के रख रही हूँ, क्योंकि एक महीने बाद हम फिर इसमें दूसरा पौधा लगाएंगे। तो बहुत ही तकलीफ़ होता है फ्रेंड्स जब हमारा कोई पौधा सूख जाता है, हरे भरे पौधे सूख जाते हैं। तो देखिए, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है फ्रेंड्स, तो इस कारण हम पौधे को बचा नहीं पाए और हम ऊपर ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि लगाने का कोई उसमें बांधने का नहीं है, नहीं तो हम कोई चादर वगैरह ही ऊपर से डाल देते। तो अभी देखिए, मैं कुछ देर के लिए मिट्टी फैला के रख दी थी, सारे इसमें से जो सूखे हुए लकड़ी सब थे वो हटा के, और ये देखिए मैं छाछ लेके आई हूँ, तो दो तीन दिन पुराना है, ये ज़्यादा खट्टा है, तो इसे ही मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे ना जो चीज़ अभी कंपोस्ट नहीं हुए हैं वो धीरे धीरे हो जाएगा, और इसमें मैं गुड़ का पानी भी मिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज़ मैं मिट्टी में और खाद में ज़रूर ही डालती हूँ, इससे ना बहुत जल्दी ही खाद कंप्लीट हो जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं। और मिट्टी में भी देखिए, अभी इसकी जो उर्वरक शक्ति है कम हो गया ना, तो हम इसमें धूप लगा दिए हैं और ये खाद अभी हम नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि जो नीचे कचरे वगैरह डाली थी कुछ पौधे में, जैसे गेंदे वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें जो छिलके वगैरह रखते हैं उसके ऊपर ही लगा देते हैं, तो इसमें खाद अभी है ही, तो खाद मिला के नहीं रख रही हूँ, सिर्फ हम छाछ मिलाए हैं, जो चीज़ कंपोस्ट नहीं हुआ है वो अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड्स, मैं मिट्टी को बोरी में भर दी, उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ कि देखिए, गोबर के कंडे का जो मैं लिक्विड दिखाई थी आप सबके साथ कुछ दिन पहले ही,
मैं वीडियो शेयर की थी, तो अभी मैं उसके खाद दिखा रही हूँ। 1 महीने भी नहीं हुए हैं और देखिए ये खाद बन के तैयार हैं। हम इसका प्रयोग अभी भी कर सकते हैं, पर मैं अभी नहीं दूंगी, बरसात स्टार्ट होने से पहले दूंगी। इसमें ना थोड़ी सी पानी का छिड़काव और कुछ दिन तक करूंगी, जिससे कि जो चीज़ अच्छे से कंपोस्ट नहीं हुए हैं वो अच्छे से हो जाए। और इस ये जितना कंपोस्ट पुराना होगा उतना ही अच्छा हमारे पौधे के लिए होगा, और इसकी गर्मी उतनी ज़्यादा ख़त्म होगी। तो अभी इसमें फ्रेंड्स अगर हम पौधा में डालेंगे गोबर की खाद है तो हो सकता है कि हमारा पौधा ख़राब भी हो जाए, तो इसीलिए अभी हम नहीं डालेंगे और बरसात स्टार्ट होने से पहले डालेंगे। तो देखिए इसको मैं इसी में रहने देती हूँ, ये जल्दी से बनेगा तो हम पौधे को देंगे। और 2 पॉट में जो रखी हूँ, जो बाद में मैं 2-3 कंडे को लिक्विड बना के रखी थी, उसको मैं इस बोरी में रख रही हूँ। तो इसमें देखिए नीचे थोड़ा सा मिट्टी डाल दी हूँ और हम ये इसमें पलट देते हैं। और इसके ऊपर ना हम कुछ छिलके वगैरह जो किचन के रहते हैं वो डाल देंगे, जिससे कि ये पूरे बोरी भर जाए, और ऊपर से मिट्टी से ढक के हम 1 महीने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको ना जितना ज़्यादा उलट पुलट करेंगे उतना जल्दी ये बन के तैयार होगा। तो देखिए अभी ना इतने सुबह इतने तेज़ धूप निकल आते हैं ना कि छत पे हिम्मत नहीं होती है काम करने की। तो कल का मैं दिखाई थी कि कल मैं मिट्टी सबको धूप लगाई थी, फिर मैं इसको भर के कल मैं चली गई। मैं ये 2 दिन का क्लिप दिखा रही हूँ, आज मैं अभी आई हूँ। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूँगी, और कल मैं जाते समय ना गुड़ को पानी में डाल के गई थी कि कल शाम आके फिर करती, पर मैं नहीं आ पाई। शाम के टाइम में लाइव करना रहता है, वीडियो एडिट करना रहता है, तो मैं शाम के टाइम में छत पे नहीं आ पाती हूँ, तो अभी आई हूँ। तो देखिए मैं इसको उलट पुलट अच्छे से कर रही हूँ और ऊपर से ना थोड़ा सा गुड़ का पानी का छिड़काव कर दूँगी। तो अभी जितने भी मैं मिट्टी सब बोरी में भर के रखी हूँ उस सब में मैं गुड़ का पानी दूँगी, और कुछ दिनों के लिए ना अभी 1 महीने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। तो इसमें देखिए जो गोबर के कंडे थे उसको डाली हूँ, तो इसके ऊपर ना छिलके डालती रहूँगी और उलट पुलट करूँगी, तो बहुत जल्दी ही ये बन के तैयार होगा। तो देखिए मैं कुछ पॉट में ना चाय पत्ती भी रखी हूँ, तो देखिए ये बनने वाले हैं। तो हम लोग ना चाय पत्ती चाय में फ्रेंड्स तेज़पत्ता भी यूज करते हैं, इसीलिए चाय पत्ती में आपको पत्ते दिख रहे हैं। तो तेज़पत्ता भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो हम उसका बेझिझक अपने चाय पत्ती में जो तेज़पत्ता रहता है अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। तो अभी देखती हूँ कि ये छिलका सब मैं इसमें डालूँगी, और ये चाय पत्ती मैं अलग इसलिए रखती हूँ क्योंकि फूल वाले पौधे में देना अच्छा रहता है चाय पत्ती। तो ये देखिए अभी ना तरबूज के छिलके से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, हम इसको कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। पर मैं अभी क्या करती हूँ, हमारे पौधे के लिए ना ये बहुत ही ठंडी खाद बन के तैयार हो जाते हैं, तो हमें ना अभी इसको ऐसे कंपोस्ट में नहीं डालना है, इसमें सिर्फ पानी ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको पानी में डाल के छोड़ें 2 दिन के लिए, उसका पानी हम पौधे के लिए फ्रेंड्स स्टोर करके भी रख सकते हैं, हम अभी भी दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, हम एक बार पानी यूज कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कंपोस्ट में डाल देंगे। तो देखिए इस दोनों में ना बोरी में गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट ही भरा हुआ है, तो इसमें जितना मैं डाल रही हूँ कुछ दिनों में गल के वो नीचे बैठ रहा है, तो अभी हम इसमें कुछ दिनों तक और डालेंगे। और बरसात आने से पहले आप बहुत सारे खाद बना के रख सकते हो, क्योंकि बरसात में कीड़े लगने का डर रहता है, इस टाइम बहुत ही जल्दी खाद बन जाता है। हम जितना उसको उलट पुलट करेंगे और जितने बार हम छिलका डालते हैं ना थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं। तो अभी देखिए मैं इसमें गुड़ रख के गई थी, तो देखिए ये पूरी तरह से गल गया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी और फिर मैं इसके ऊपर से जितने भी मिट्टी बोरी में भरी हूँ सभी मैं डालूंगी। तो फ्रेंड्स हम मिट्टी को ना ऐसे खुले भी रख सकते हैं, तो जितना हवा लगेगा ना उतने जल्दी ये जो चीज़ कंपोस्ट नहीं हुए थे उतने जल्दी होगा, या तो आप ढक के भी रख सकते हो, तो मॉइस्चर बना रहे, इस चीज़ का हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि मिट्टी ज़्यादा ड्राई ना हो। ज़्यादा ड्राई होगा तो ये फिर जल्दी से नहीं इस भुरभुरी मिट्टी बनेगा,
है, क्योंकि सूख जाएगा ना तो फिर जल्दी नहीं बनता है, हमें मॉइस्चर का मेंटेन करके रखना है। तो बस मैं यही दो तीन चीज़ खाद बना में प्रयोग करती हूँ और मिट्टी में भी डालती हूँ। हमें मिट्टी को फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए रेस्ट देना ज़रूरी रहता है, तभी हमारा मिट्टी उपजाऊ बनता है। फ्रेंड्स हमारे घर से इतने सारे छिलके कचरे निकलते हैं कि हम उससे अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं, पर वही है कि हमें उसका तरीका आना चाहिए। तो अगर हम सही तरीके से काम करें तो हमारे घर से ही बहुत सारे खाद बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं सारे में गुड़ का पानी दे देती हूँ और फिर इस सब को ढक के मैं रख दूँगी फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में इस सब का अपडेट देखने को मिलेगा। और अभी देखिए बहुत तेज़ धूप हो गया, क्योंकि मिट्टी का काम फ्रेंड्स मैं सुबह ही करती हूँ, शाम में मुझसे होता नहीं है और शाम के टाइम में टाइम भी नहीं रहता है शाम में। और अभी देखिए गार्डन बहुत सूना लग रहा है, तो अभी मैं ज़्यादा फूल सब नहीं दिखा सकती। अभी पुरचुलका खिलना स्टार्ट हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पुरचुलका के फूल होते हैं और ये हाइब्रिड पुरचुलका है। ये अभी गर्मी के टाइम में ही बहुत अच्छे से खिलते हैं, बरसात में इसके फूल फ्रेंड्स कम हो जाते हैं और इसके ब्रांच सब गलने लगते हैं। अभी धूप तेज़ है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस टाइम ये बहुत अच्छे से खिलते हैं, पर मैं इस बार इसको अच्छे से देख रेख नहीं कर पाई, इसीलिए हमारे गार्डन में अभी तक फूल की थोड़ी कमी है। तो चाय पत्ती का खाद जो बना था वो मैं इसमें दूंगी। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही बताना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी अवश्य ही लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल एंडी लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कर लेना। फ्रेंड्स आप सबके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।